सज्जू तू ऐसे क्या कर रहे है? सगाई के लिए लेट हो रहा है, चल। अरे पुत्र, क्या तूने इसे बातों में लगा रखा है? ऋषि, आपको पता है किसी ने मुझे और हमारे बच्चे को मारने की कोशिश की थी? मैंने भी अभी पता चला तेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। पुत्र, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, मैं भी तो एक माँ हूँ ना। और देखना, इन लोगों ने मुझे भी नहीं बताया। लेकिन पुत्र छोड़, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हा? देख, तेनु भी पता है ना कि अगर सगाई मुहूर्त के टाइम पे नहीं हुई तो फिर सगाई नहीं हो पाएगी। तो चल, पहले ना संजू और नीति की सगाई करवा देते, फिर हम बाद में बात करते। और आप उधर अपनी सहेली अपनी जान की सगाई में तू ऐसे उदास अच्छी तो नहीं दिखेगी ना, तो आंसू पोंछ दे। क्यों बेकार में तुम लोग टाइम पास कर रहे हो? मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। अरे पुत्र, मैं माफ कर दे, जो कल डॉक्टर ने तेनु बताई वो कल मुझे तुझे बतानी चाहिए थी। लेकिन की करा पुत्र, जैसे ही तू अस्पताल में ठीक हुई पता चला तेरा बच्चा नहीं रहा, फिर गुरिंदर कोमा से बाहर आई, इन सब बातों में उलझ के रह गए और वो बात बहुत पीछे रह गई। खैर पुत्र, हमको ऐसे ही लग रहा है कि ये काम शायद राकेश का किया होगा। ये काम राकेश का नहीं है, किसी और का है। किसी और का मतलब? पता नहीं वो कौन है, लेकिन वो जो कोई भी है ना, वो मुझसे बहुत नफरत करता है। देख माता जी, तू तो जवान कुड़ी है, सुनामी तूफान कुछ भी झेल सकती है, लेकिन मेरी हड्डियों में जान नहीं है। ऐसा ना हो ना कि कुछ बवाल हो जाए और मेरा तो एकदम ऊपर का टिकट कट जाए। इसलिए अपनी बेबे की एक एडवाइस सुन ले। तू पता क्या कर, सगाई के 2-3 दिन के अंदर ही अंदर शादी फिक्स कर ले तुरंत, इससे पहले कि कुछ और पोल खुले, इससे पहले कि कुछ और राज बाहर निकले, समझी? ठीक है बेबे, जैसे सगाई हो जाएगी मैं शादी की डेट भी फिक्स करवा लूंगी। यस। और 2-3 दिन में शादी भी हो जाएगी, आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं सब कर लूंगी।